हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो देखिए, आज का बैकग्राउंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए मेरे पीछे कितने सारे इस पेड़ में कटहल लग रहे हैं। तो कटहल तो मैं दिखा रही हूँ, पर आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि है ना सुबह ये हुआ था, मतलब सुबह ये हुआ था कि मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था ना, उसमें पता नहीं कोई मतलब वैसे मिस्टेक हो गई है, तो इस वजह से वो वीडियो मुझे पोस्ट करने के बाद फिर से डिलीट करना पड़ा। पता नहीं क्या था उस वीडियो में, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ था, पर फिर भी पता नहीं वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ थे यूट्यूब के। हालांकि उसमें मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या था। खैर, उसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि एक वीडियो बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत होती है, मतलब और वो ब्लॉग वीडियो था तो ब्लॉग वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो उसमें मतलब मैंने दिशानी के मालिश वगैरह ये सारी चीज़ें दिखाए थे, पर पता नहीं फिर भी मतलब कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ बताया, तो फिर मैंने उसको प्राइवेट करके ही रख दिया। उस दिन मैंने आप लोगों को दिशानी के पापा और मेरे मतलब कैसे मतलब हम दोनों एक दूसरे को पहली बार देखे और कैसे हम लोगों एक दूसरे को जाने, तो वो सारी चीज़ें बताई थी। और तो आज के वीडियो में मैं आगे की बात बताऊंगी, जो लोग नए हैं वो लोग उस वीडियो में जाके देख ले पूरी स्टोरी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हाँ, जब वो हमारे घर पे आए तो यहाँ तक ही मैंने ख़त्म किया था उस वीडियो को। तो जब वो मेरे घर पे आए तो हुआ ये था कि वो घर पे आने के बाद उन्होंने सोचा था कि फ़ोटो में मतलब देखा है तो आजकल एडिटिंग वेडिटिंग का ज़माना है, तो पता नहीं ऐसा भी हो सकता है कि फ़ोटो में कुछ और रियल में कुछ। लेकिन नहीं, वो जब आए, सच में मुझे बोलते हुए बहुत ज़्यादा सॉरी हंसी आ रही है, वो जब आए तो उन्होंने मुझे मतलब मैसेज पे मैसेज किया, मतलब मैं रूम से निकल नहीं रही थी, फिर मैं निकली तो मैसेज पे मैसेज किया। और फिर मैं जब निकली तो उनके घर वालों ने जो भी पूछना उछना होता है वो सारी चीज़ें पूछा उनके घर वालों ने मेरे से। और पूछने के बाद फिर हुआ ये कि ऐसे ही घर बहुत मतलब बड़ा है, मतलब जगह बहुत ज़्यादा है हमारे घर में, तो ऐसे ही घूमते फिरते हम दोनों की बात हो गई थी। तो ये चीज़ मुझे बताने में भी बहुत अजीब लग रहा है। तो दिशानी के पापा मुझे बोलते हैं कि देखिए, मतलब जब हम दोनों में बात होती है तो वो फर्स्ट में मुझे ये बोलते हैं कि शिवानी तुम बहुत फिट हो, और उस टाइम में ऐसी नहीं लगती थी, उस टाइम में कुछ अलग लगती थी। तो आप लोग ये मत बोलना कि कैसी दिखती है, फिर भी मतलब ऐसा बोल दिए। तो उस टाइम 6 साल पहले की बात है, तो दिशानी के पापा मुझे बोलते हैं तुम बहुत फिट हो और मतलब इतनी सुंदर हो, ज़रूर तुमने मुझे पसंद नहीं किया होगा और तुम तो शादी से मना करने वाली हो, मुझे पता है, ऐसे करके। तो मैंने उनको यही बोला था कि नहीं, मैं नहीं मना करूँगी, और अगर मेरे मम्मी पापा मेरा कहीं पे भी शादी करवाएंगे कैसे भी लड़के के साथ, चाहे वो कैसा भी दिखता हो और कुछ भी हो, तब भी मैं कर लूँगी, ऐसा मैंने बोला था। क्योंकि वो मुझे एकदम डायरेक्टली ऐसे बोले कि मुझे पता है कि तुम इतनी फिट हो और इतना सब कुछ, और तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करोगी, तुम तो इस शादी से इनकार करने वाली हो, मुझे पता है। तो मैंने उनको यही जवाब दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं है, मम्मी पापा जहाँ पे चाहेंगे मैं वहीं पे मतलब शादी करूँगी। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि अच्छा ठीक है, मतलब तुम्हारे मम्मी पापा जहाँ पे शादी करवाएंगे वहीं पे करोगे, तो फिर मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम अगर मना नहीं करोगी शादी से तो कन्फर्म है ये शादी में कैसे भी तुम ही से कर लूँगा। तो मैंने तभी मन में यही सोचा था कि मेरा तो मना करने का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि मम्मी पापा ही नहीं करवाएंगे शादी, ऐसा ही मैंने सोचा था। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, दिशानी के पापा इतने मतलब मेरी मम्मी के मम्मी मम्मी करके मेरी मम्मी का तो मन जीत ही लिया था शुरू में ही, और फिर मेरी मम्मी पापा सब लोगों ने यही बोला कि लड़के का व्यवहार इतना अच्छा है और इतना मतलब अच्छा लड़का है तो क्यों मना करेंगे, अच्छा जॉब भी करता है, सब कुछ अच्छा है, फैमिली भी अच्छी है, तो सब कुछ देख के फिर जाके। और मुझे तो हमेशा ही लग रहा था कि मना कर देंगे, इसीलिए मैंने दिशानी के पापा को भी यही बोला था उस टाइम कि नहीं, मैं मना नहीं करूँगी, मम्मी पापा अगर करवाएंगे तो कर लूँगी, तो यही सोच के मैंने बोला था, क्योंकि मैं सामने किसी को मतलब हर्ट नहीं करना चाहती थी इसी वजह से। तो फिर जाके हुआ ये कि फिर
दिशानी के पापा ने पता नहीं मेरी मम्मी पापा से क्या क्या बात की, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता। फिर मेरी मम्मी को तो मतलब दिशानी के पापा बहुत ज़्यादा पसंद आए व्यवहार से, तो फिर मेरे मम्मी पापा फिर भी मेरे से पूछे नहीं। और फिर जब वहाँ पे देखने गए तब भी मुझे यही लगा था कि शादी फिक्स नहीं होगी क्योंकि शायद इन लोगों को पसंद नहीं आएगा ऐसा करके, पर वहाँ पे जाने के बाद मेरे से बिना पूछे ही शादी फिक्स कर दी थी। और दिशानी के पापा मुझसे इतना मतलब दिखा रहे थे कि हाँ मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ, ये मतलब वो मुझे एकदम मेरे सामने ऐसे झुक गए थे कि तुम मुझसे शादी कर लो, मुझ पे एक एहसान कर लो शिवानी, मुझसे शादी कर लो, ऐसा कह के कि मैं ये चीज़ बोल रही हूँ तो पता नहीं दिशानी के पापा क्या सोचेंगे। वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं अभी, लेकिन उस टाइम उन्होंने यही किया था कि मुझे बोलते हैं कि शिवानी तुम एक काम करो, मैं तुमसे मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो और मतलब तुम्हारी झोली खुशियों से भर देंगे, ऐसा कुछ डायलॉग था। पर फिर जाके मुझे हंसी भी आ रही थी उस टाइम, तो बोले कि शिवानी तुम मुझ पे एक एहसान करो कि मुझसे शादी कर लो, और सच में तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, तुम इनकार मत करना शादी से, ऐसा बोल के। तो मैंने तो इनकार किया भी नहीं था, वो दिशानी के पापा होते और कोई भी होते तो भी मेरा तो कोई बस चलता नहीं वहाँ पे इनकार करने का या फिर हाँ बोलने का, मैं तो कोई होती ही नहीं थी उस टाइम, तो ऐसे बोले थे। उसके मतलब उसके बाद दिशानी के पापा उसी टाइम मतलब जब आए थे मिलने तब बात हो रही थी, तभी उन्होंने जब ये बोला था ना कि तुम इतनी फिट हो ये सब हो, तब उसी टाइम उन्होंने ये चीज़ भी बोला था कि शिवानी मुझ पे एक एहसान करो, तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, ऐसा करके। और फिर मुझे बाद में पता चला कि ये सारा सब कुछ ढोंग था। मैं आप लोगों के सामने ढोंग इसलिए बोल रही हूँ, आप लोग भी बोलोगे कि ढोंग क्यों बोल रही हूँ, अगर ढोंग नहीं होता तो फिर ये तो मैं दिशानी के पापा को भी बोलती हूँ कि अगर ढोंग नहीं होता तो क्या दिशानी के पापा 15 दिन में फिर मुझे छोड़ देते क्या, मतलब इतना सब कुछ बोलने के बाद। उस टाइम उन्होंने ढोंग किया था, लेकिन हाँ उसके बाद छोड़ने के बाद जो हम लोगों में अटैचमेंट हुआ कि मतलब तलाक वलाक होने के बाद फिर बात हुई, तो जो अटैचमेंट हुआ था हाँ ये असली वाला है, क्योंकि वो मुझे सबके खिलाफ जाके लेके गए थे, तो उस टाइम का वो सारी चीज़ें सोचो तो वो तो नकली था, अब जाके मुझे लगता है कि असली है जो भी है, नहीं तो फिर उस टाइम तो पूरा ढोंग था। ये चीज़ तो मैं उनके सामने भी बोलती हूँ कि इतना सब कुछ बोल के मुझसे शादी कर लो, एहसान करोगी, ये सब कुछ बोलने के बाद फिर जाके उन्होंने मुझे 10-15 दिन में ही छोड़ दिया था। तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत शॉक लगती थी उस टाइम की, ये सब बाप रे मतलब लोग कैसे कैसे होते हैं ऐसा सब कुछ सोच के। और मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मतलब दिशानी के पापा ऐसे बिहेव कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस लड़के को तो एक तरफा प्यार हो गया है लेकिन बाद में देखा जब तो मैंने सोचा कि मेरा ही पोपट बन गया है, क्योंकि अगर एक तरफा प्यार ही होता तो फिर वो मेरे साथ 15 दिन में ये सब कुछ नहीं करते, तो मुझे ऐसा भी लगा था। और फिर जाके जब मैंने हम दोनों का डाइवोर्स हो गया था, और डाइवोर्स के बाद फिर हुआ ये कि फिर से वो ऐसी हरकतें कर रहे थे मुझे, मतलब जब तक डिवोर्स नहीं हुआ था तब तक तो वो गुम थे, मुझे मिले ही नहीं थे, और डिवोर्स के बाद फिर मतलब वो मुझे फ़ोन पे फ़ोन और ये सारी चीज़ें करते थे। तो उस टाइम फिर से मुझे लग रहा था कि पहले ही उन लोगों ने इतना सब कुछ बोल के ये कर दिया, तो अब जाके ये लोग कुछ भी करें मुझे यकीन नहीं करना चाहिए, मैं ऐसे सोच रही थी। क्योंकि उस टाइम भी दिशानी के पापा मतलब ऐसी हरकतें कर रहे थे मतलब कि मेरे बिना जी ही नहीं सकते, ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा मतलब फील करा रहे थे, तो मैं सोच रही थी ये भी नकली वाला है। अब उन्हीं के मन को पता है, मुझे तो नहीं पता कि नकली है या असली है, शायद अब की बार असली हो, क्योंकि अब की बार असली नहीं होते तो वो शायद मुझे लेके नहीं जाते, तो इसी वजह से। और मैं तो उनको देख के उस टाइम भी मुझे ऐसा ही लग रहा था कि इनको एक तरफा प्यार हो गया, और शादी से पहले भी वो मतलब ऐसे ही कर रहे थे बिहेव। तो फ्रेंड्स मेरी ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और शायद बहुत लड़कियों के साथ अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें होती होगी तो कोई शेयर नहीं करते, पर मैं कर रही हूँ। और आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये स्टोरी कैसी लगी है, ये रियल स्टोरी है, इसे स्टोरी भी नहीं बोला जा सकता। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।